हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना। बेसिकली आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल अव्यूत एकेडमी से, जहां पे हम जॉब्स की बात करते हैं जो कि होम बेस्ड होती हैं, आपकी बिना इन्वेस्टमेंट के आप आराम से कर पाते हो घर बैठे बस सिस्टम के साथ। तो चलिए आज फिर दोबारा से बात करते हैं हमारी होम बेस्ड सीरीज में। एक पांच जॉब और मैं जोड़ने वाली हूं इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो चलिए अब इन जॉब्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम पहली जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की है और फ्रेशर्स के लिए है ये। हालांकि ये जॉब, अगर हम कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो फ्रेशर्स के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और वहीं मैं लोकेशन की बात करूँ तो आप पूरे ओवरऑल इंडिया से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन भोपाल, इंडिया और उज्जैन, ये ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे कंपनी जो है रेफ़र करेगी ज़्यादा लोगों को अगर कोई यहाँ से अप्लाई करता है, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अब हम आगे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन घर बैठे आप काम कर सकते हो, आपको सोशल मीडिया में आप इनकम कर सकती हो यहाँ पे काम करके, और साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम यू कैन अर्न इन डाटा एंट्री। आराम से आप इनकम भी कर सकते हो डाटा एंट्री के थ्रू, आपको साथ ही छुट्टियाँ भी दी जाती हैं, अच्छी इनकम दी जाती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। और 98 कंट्रीज़ में ये लोग काम करते हैं, वहाँ के लोगों को चुनते हैं और फ्लेक्सिबल टाइम देते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पार्ट टाइम में अपना करियर बना सकते हो यहाँ पे जुड़ के, और साथ ही आप सोशल मीडिया से भी इनकम कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों जॉब इन्फो की तरफ। तो यहाँ पे जो जॉब रोल है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और साथ ही एम्प्लॉय टाइप है पार्ट टाइम, फ्रीलांस, होम बेस्ड। और अब आगे बढ़ते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जो कि मेन है। एजुकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप 10th पास हो या 12th पास हो तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर की स्किल्स की बात करें तो की स्किल्स में आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए और आप कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर आप रहोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करने जा रहे हैं सेकंड जॉब की। तो आज मैं थोड़ी सी यूनिक जॉब लेके आई हूँ, डाटा एंट्री के अलावा भी आप टैली कॉलिंग की जॉब है ये, जिसको आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। इसमें आपका कंप्यूटर की जो है लैंग्वेज आती है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो कंपनी प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो BPO प्रोजेक्ट्स इंडिया। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम फ्रेशर्स की है और मैक्सिमम 5 ईयर्स है। तो अगर आप जॉब सीकर हो और कॉलिंग की जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो। तो सैलरी पैकेज की बात करें तो 375,000 है मिनिमम, और मैक्सिमम है 6 लाख पर ईयर। और लोकेशन की बात करें तो पुणे और तिरुवनंतपुरम। वैसे तो आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, टैली कॉलिंग की जॉब है तो घबराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें आगे तो दोस्तों जो कि है जॉब पोजीशन जो आपकी रहेगी वो है होम बेस्ड टैली कॉलिंग की। रिक्वायरमेंट आपका सिस्टम लैपटॉप होना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन तो मस्ट है कि होना ही चाहिए। लोकेशन आप घर बैठे कर सकते हो और आप आराम से टैली कॉलिंग की जॉब में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। ये जॉब जो है फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए आप दोनों कर सकते हो, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। टैली कॉलिंग में वैसे भी अगर मेन जो फैक्ट होता है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तभी आप दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उन्हें चीज़ों को अपनी कंपनी के बारे में समझा सकते हो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो यहाँ पे जॉब रोल है वो है टैली कॉलिंग टैली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। इंडस्ट्रियल टाइप आपकी रहेगी BPO, कॉल सेंटर, ITES, फंक्शनल एरिया रहेगा ITES, BPO, KPO, LPO, कस्टमर सर्विसेज और ऑपरेशंस। एम्प्लॉय टाइप आपका रहेगा पार्ट टाइम, फ्रीलांस, होम बेस्ड जॉब है ये। और साथ ही अगर मैं रोल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉइस का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। और एजुकेशन की बात करें हम आगे तो आप 10th पास हो, 12th पास हो, डजेंट मैटर, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है टैली कॉलिंग की जॉब के लिए। की स्किल्स की बात करें तो आप कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, और मतलब कि बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए जो सभी के पास होती है, अदरवाइज़ इसमें आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कॉलिंग करनी आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कॉलिंग कर पाते हो। बाकी आपको थोड़ी बहुत एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरी जॉब की तरफ। तो ये जो जॉब है ये डाटा एंट्री की जॉब है,
जो कंपनी है, अगर कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो ज़रबैक सॉल्यूशंस है। एक्सपीरियंस की बात करें, फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स है। जो आप सीकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो डाटा एंट्री की जॉब कर सकती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो 1,50,000 मिनिमम है और मैक्सिमम है 3,75,000 पर ईयर। और साथ ही आप किस ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी जो प्रेफर करेगी लोकेशन वो है दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो अब आगे बढ़ते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों, टैली कॉलिंग की जॉब में आपको कॉलिंग आनी ज़रूरी होती है, वहीं डाटा एंट्री की जॉब में आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और यही सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं जिसमें आपको मिलती है आराम से घर बैठे इनकम, और आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हो। और अब अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे अर्जेंट हायरिंग है होम बेस्ड जॉब की, जिसमें आप डाटा एंट्री कर सकते हो। डाटा एंट्री में फॉर्म फिलिंग और ऑनलाइन टाइपिंग ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टाइपिंग भी आनी चाहिए। आप 2 से 4 घंटे या 4 से 6 घंटे घर बैठे फ्री टाइम में कर सकते हो, लेकिन एज लिमिट आपकी 18 से अबव होनी चाहिए। ये मेन फैक्टर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं कैंडिडेट प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। लैपटॉप सिस्टम ज़रूरी है आपके घर में, होना ही चाहिए, और एंड्रॉयड फ़ोन भी। और आपकी जो पेमेंट्स होंगी वो है डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो डेली आपको पेमेंट करे तो कंपनी आपको डेली भी पेमेंट करेगी, वीकली पेमेंट करे तो वीकली भी करेगी, मंथली करे तो मंथली भी करेगी। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जॉब इन्फो की बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल टाइप आपका रहेगा IT सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। फंक्शनल एरिया आपका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस और डाटा एंट्री। एम्प्लॉयमेंट टाइप है पार्ट टाइम, फ्रीलांस एंड होम बेस्ड। अगर मैं आगे बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन में यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप 10th पास हैं 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बस इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। की स्किल्स में आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, बैक ऑफिस का काम है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे, आपको MS ऑफिस में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। तो दोस्तों चलिए चौथी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है MNC कंपनी में निकली है जॉब। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए ही है। अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में तो और भी गुड है। तो दोस्तों कंपनी की बात करें तो है कैन सॉफ्ट टेक, और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स। तो जो भी ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कॉलेज के बाद तो यार सभी करना चाहते हैं ना जॉब। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, एक खास अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक तरह से देखा जाए तो। सैलरी की बात करें तो 1 लाख है मिनिमम और मैक्सिमम है 3 लाख पर ईयर। और साथ ही लोकेशन की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता है, लेकिन आप ओवरऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे घर बैठे काम करने वाला एक एग्जीक्यूटिव चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एनी क्वालिफिकेशन ऑन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और किसी भी लोकेशन से हो ये मैटर नहीं करता, बस वो स्टडी के साथ साथ भी काम कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि उसे सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हम कैंडिडेट प्रोफाइल पे पहुँचते हैं। तो वर्क हेल्प्स कंपनीज कलेक्ट एंड एडिट इन्फॉर्मेशन बाय इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, डाटा वेरिफिकेशन क्लीन अप, डाटा प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, अनफिक्स्ड सैलरी विद इंसेंटिव्स, नो कॉलिंग, नो सेलिंग, नो टारगेट, गेट एक्सपीरियंस्ड। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जॉब इन्फो की। तो जो जॉब रोल है वो है एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट नॉन टेक्निकल का। इंडस्ट्रियल टाइप आपकी रहेगी BPO, कॉल सेंटर, ITS। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा ITS, BPO, KPO, LPO, कस्टमर सर्विसेज ऑपरेशंस। एम्प्लॉई टाइप है फुल टाइम परमानेंट। रोल कैटेगरी है बैक ऑफिस, वेब एंड ट्रांसलेशन। एजुकेशन की जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे यानी किसी भी उसमें हैं आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस MNC की जॉब को। तो दोस्तों की स्किल्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप रहोगे यहाँ पे, MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर आप होगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पांचवी जॉब की, जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो एलिगेंस कैफ्ट मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स है। सैलरी की बात करें तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख पर ईयर।
लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी, आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कलेक्टिंग, सोर्सिंग, कंप्लीटिंग कस्टमर्स, डाटाबेस मेकिंग, MIS रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, 80% वर्क ऑन एक्सेल एंड नीड सो टू नो वी लुकअप एंड एच लुकअप प्राइवेट टैब्स लेट टैब्स एंड वॉट इफ काउंट इफ कंडीशंस डाटा वैलिडेशन एक्सेट्रा, अंडरटेकिंग वेब सर्च और सोर्सिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ डाटाबेसिस। द फिफ्थ इज कंप्लीट लिस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अंडरटेकिंग क्वाइट चेकनीफाई द डाटाबेस एक्सेट्रा, एंड द सिक्स्थ इज एक्सेस एंड अपडेट CRM रिकॉर्ड्स, द सेवेंथ इज मेंटेनिंग एंड एनालिटिक्स रिपोर्ट ऑफ डिस्कशंस एंड कॉल हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए बात करने जा रहे हैं कैंडिडेट प्रोफाइल की। मिनिमम एक्सपीरियंस की ज़रूरत है 1 साल के, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ये बहुत ज़रूरी है। प्रमोट एंड क्विकली टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, स्मार्ट एंड प्लेजिंग पर्सनैलिटी, अ पर्सन रेडी टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल द टाइम, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, जो कि अब जॉब इन्फो की बात करते हैं हम तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी डाटा एंट्री ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल टाइप आपका रहेगा BPO, कॉल सेंटर ITS, फंक्शनल एरिया आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस डाटा एंट्री, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका रहेगा फुल टाइम परमानेंट। और साथ ही एजुकेशन की बात करें तो आप एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, लेकिन अगर 11th 12th से हो आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो काम हम मांग रहे हैं कंपनी मतलब आपसे मांग रही है बस आपको उतना आना चाहिए तो आप कैपेबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल काम आपका एक्सेल पे होने वाला है। इसलिए की स्किल्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। तो दोस्तों अब आप इस जॉब पांचों जॉब के बारे में तो जान ही गए हैं, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जा करके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू जॉब्स की अपडेट मिल सके।